कार्रवाई शुरू हो गई है। केजी बोपैया जो हैं वो बैठे हुए हैं वहां। कांग्रेस जो है अपने तर्क में शायद फंस चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और आप देख सकते हैं इस वक्त हम सीधे रुख करना चाहेंगे जितेंद्र दीक्षित का। जितेंद्र, जो 12 विधायक जिसके बल पर बीजेपी बहुमत हासिल करना चाहती थी, वो दो निर्दलीय विधायक, इन तमाम चीजों को लेकर स्थिति क्या है इस वक्त जितेंद्र, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी की जो ताजा स्थिति है वो ये है कि बीजेपी के और कांग्रेस के विधायक जो है आ गए हैं। अब इसमें ये देखना है कि वो एक जो विधायक जिनके बारे में बताया जा रहा था, और जैसा कि कल कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि केंद्र सरकार ने उनको कब्जे में कर रखा है, आनंद सिंह, वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और विधानसभा के भीतर जो है सिद्धारामैया भी आ चुके हैं, येदियुरप्पा भी आ चुके हैं, और अब अगली कार्रवाई यहाँ पर ये होने वाली है कि सभी विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई जाएगी, और ये कुछ घंटों तक चलेगा। उसके बाद शाम को 4 बजे यहाँ पर विश्वास मत पर वोटिंग होगी। बीएस येदियुरप्पा खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं सदन में विश्वास मत पेश करता हूँ, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर ये ऐलान करेंगे कि जो लोग समर्थन में है इस प्रस्ताव के वो सहमति जताते हुए खड़े हो जाएं, और जो लोग खड़े होंगे रो वाइज, एक एक रो वाइज जो है उनकी काउंटिंग होगी, हेड काउंट होगा, और जब एक बार पूरी काउंटिंग हो जाएगी तो आंकड़ा लिखा जाएगा कि कितने लोग समर्थन में खड़े हुए। उसके बाद फिर से प्रोटेम स्पीकर अनाउंस करेंगे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस प्रस्ताव का वे लोग उठकर खड़े हो जाएं, तो वे लोग खड़े होंगे रो वाइज, उनकी काउंटिंग होगी, वो आंकड़ा लिखा जाएगा, और फिर प्रोटेम स्पीकर ऐलान करेंगे कि विश्वास मत पारित हुआ है या नहीं हुआ है। और यहां आप देख सकते हैं येदियुरप्पा सदस्यता की शपथ लेते हुए, मुख्यमंत्री की शपथ वो ले चुके हैं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो हैं वो विधानसभा के सदस्य की शपथ लेते हुए, बीएस येदियुरप्पा नानु ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿರ್ವಾಚನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ವಿಧಿದ್ವಾರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನೀಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ ವೋ ಶಪತ್ ಲೇ ಚುಕೆ ಹೈನ್। ಮಗರ್ ಜೋ ಖಬರ್ ಆ ರಹಿ ಹೈ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆ ವೋ ಭಿ ದಿಲ್ಚಸ್ಪ್ ಹೈ। ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಭಿ ಬತಾ ದೇ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೆ ದೋ ವಿಧಾಯಕ್ ಗೈರ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈನ್, ಗಾಯಬ್ ಹೈನ್। ಉನ್ಕೆ ನಾಮ್ ಹೈನ್ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪಾ ನಾಯಕಾ ಔರ್ ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ನಾದಗೌಡಾ। ये दो गायब हैं जेडीएस के विधायक, जिसका जिक्र पहले ही जेडीएस कर चुकी थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।